नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला टेस्ट मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में आपके लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, कौन सा प्लेयर आज के मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हो, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि बैक टू बैक अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होते रहे। फाइनल टीम आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। फटाफट से लॉस रिकवरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको फ्री में टीम प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो को लाइक करना मत बोलना दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, वीडियो में आपको बैक टू बैक नॉन स्टॉप विन करवा रहा हूं, ठीक है, बैक टू बैक अल्ट्रा क्लीनशिप करके जा रहे हैं। तो आज का मैच भी हमारा इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है पहला टेस्ट मैच। तो यहां पर पूरी डिटेल में यहां पर बात करेंगे, एजबस्टोन क्रिकेट ग्राउंड यूनाइटेड किंगडम में यह मुकाबला खेले जाने वाला है। और डेट की बात करूं 16 जून को टाइम 3:30 पे दोपहर में यह मैच खेले जाने वाला है। पूरी अपडेट में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो आपको सबसे पहले जो चीज समझना पड़ेगा वो आपको पिच रिपोर्ट है, क्योंकि पिच रिपोर्ट के बाद ही आपकी टीम क्रिएट होती है। तो पिच रिपोर्ट को आप अच्छे प्रकार से समझ के जाना, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा आपको क्या चीज समझनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ग्रैंड लीग टीम क्रिएट कर सकते हो। तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लास्ट के 10 साल पुराना रिकॉर्ड आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं। पिच आपको बॉलिंग की देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहां पर टोटल 7 मैच खेले जा चुके हैं। 4 मैच जो पहले बैटिंग करती है उसने विन किए हैं, 3 मैच जो सेकंड बैटिंग करती है उसने विन किए हैं। एवरेज स्कोर की बात करेंगे, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 296, सेकंड इनिंग में थोड़े ज्यादा रन बनते हैं 335 रन, और थर्ड इनिंग में 242 और फोर्थ इनिंग में 117 के करीब स्कोर रहता है। तो यहां पर बॉलर्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको यही नहीं पता कि इस पिच पर कौन सा बॉलर हमें ट्राई करना है, तो आप टीम बिल्कुल खराब ही क्रिएट करोगे, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो बॉलिंग आपको लास्ट के 10 मैचों के बारे में बताऊं, पेसर्स को यहां पर 264 विकेटें मिल चुकी है, स्पिनर्स के लिए यहां पर कोई मदद है नहीं, ओनली 35 विकेटें, तो आप लगा सकते हो एवरेज के हिसाब से 1 या 2 विकेट यहां पर स्पिनर्स निकाल पाएंगे। तो यहां पर हाइएस्ट स्कोर किया है इंग्लैंड की टीम ने 710 रन, और न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर सबसे लोएस्ट स्कोर किया है। तो अब यहां पर बात करेंगे, पहला आपको पिच रिपोर्ट के बारे में तो अच्छे से पता लग गया, लेकिन अब आपको यह नहीं पता कि पिछले मैच में इस पिच पर क्या परफॉर्मेंस हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहां पर लास्ट के मैच के बारे में यहां पर बताऊंगा कि बॉलर्स को क्या विकेट मिली है, कितना स्कोर बना है, पेसर्स को कितनी विकेट मिली है, स्पिनर्स को कितनी विकेट मिली है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से समझना। यहां पर इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था जिसमें यहां पर फर्स्ट इनिंग में आप देख सकते हो 284, फिर 378, फिर यहां पर 416 और 245, पेसर्स को यहां पर 30 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को ओनली 2 विकेटें। मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल 2-3 विकेटें ही यहां पर मिलती हैं स्पिनर्स को। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ जिसमें 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स निकाल के लेके गए, 27 विकेट यहां पर पेसर्स। फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में 25 विकेट पेसर्स और 12 विकेट यहां पर स्पिनर्स निकाल के लेके गए। इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ जिसमें यहां पर 10 विकेट स्पिनर्स निकाल के लेके गए हैं और 29 विकेट यहां पर पेसर्स। तो लगभग यहां पर ओवरऑल पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा और यहां पर मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हेड टू हेड का रिकॉर्ड, यहां हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है वो लास्ट के 10 मैचों का, उसके बारे में फुल डिटेल में यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर लास्ट के 10 मैचों के बारे में बात करूं, इंग्लैंड की टीम ने ओनली 2 ही मैच विन किए हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 मैच विन कर लिए, 2 मैच यहां पर ड्रा भी हो चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम रिसेंट में इंडिया के साथ जो मैच हुआ था टेस्ट मैच, उसमें विन करके आ रही है मैच को। अब यहां पर प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे रिसेंट के, कि कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। लास्ट के 5 इनिंग की बात करूंगा, हेड टू हेड वेन्यू और टेस्ट कैरियर में क्या परफॉर्मेंस है। यहां पर जॉनी ब्रेस्टो की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंस यहां से ड्रॉप, फिर यहां से 49 और 18 का परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 29 के एवरेज स्कोर से रन बनाए हैं,
वेन्यू पे यहां पर 46 के एवरेज स्कोर से रन बनाता है और टेस्ट कैरियर में 37 की एवरेज स्कोर से रन बनाता है। तो आपके लिए एक ग्रैंड लीग की टीम आप इस कॉम्बिनेशन के साथ आराम से क्रिएट कर सकते हो अगर आपको अच्छे प्रकार से वेन्यू का पता है, रीसेंट परफॉर्मेंस पता है। यहां पर अगले प्लेयर की बात करें डोगेट की, तो इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 10 मैचों में 47 की एवरेज स्कोर से 800 रन यहां पर बना दिए। जेरूट की बात करूं, इसका परफॉर्मेंस भी गजब का है, आप देख सकते हो 38 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में स्कोर है, वेन्यू पे 60 की एवरेज है और टेस्ट कैरियर में यहां पर 50 की एवरेज स्कोर है। यहां पर ओप की बात करूं, रिसेंट परफॉर्मेंस 205 रन मार के आ रहे हैं अभी रिसेंट में। अब यहां पर देखें 11 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में रिकॉर्ड है और 13 की एवरेज स्कोर से वेन्यू पे और टेस्ट कैरियर में 35 की एवरेज स्कोर है। हैरी ब्रुक की बात करूं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी आप देख सकते हो 186 फिर यहां पर 89 है, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट कैरियर में 81 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप इसका भी देख सकते हो, 3 मैचों में 166 रन, 27 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में, 18 की एवरेज स्कोर से वेन्यू पे और 28 की एवरेज स्कोर से टेस्ट कैरियर में रिकॉर्ड है। तो यहां पर जो हमारी ये प्लेयर हैं इंग्लैंड के प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, अब यहां पर बात करेंगे ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन बचते हैं वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बेन स्टोक्स की बात करूं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 19 मैचों में यहां पर 1157 रन और 34 की एवरेज स्कोर से प्लस में 38 विकेट भी निकाल चुका है। वेन्यू की बात करूं 16 की एवरेज स्कोर से 118 रन और 17 विकेट भी ले चुका है। टेस्ट कैरियर में 35 की एवरेज स्कोर और प्लस में 194 विकेट भी निकाल चुका है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मोइन अली की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप इसका भी देख सकते हो, हेड टू हेड में 25 की एवरेज स्कोर है प्लस में 20 विकेट और वेन्यू पे 42 की एवरेज स्कोर है प्लस में 9 विकेट और टेस्ट कैरियर में 28 की एवरेज स्कोर है प्लस में 195 विकेट, लेकिन स्पिनर्स को यहां पर मदद नहीं मिल रही। तो जे एडर्सन की बात करूं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा खासा है, 35 मैचों में 112 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू में 13 मैचों में 51 विकेट ले चुका है और यहां पर टेस्ट मैच में 685 विकेट निकाल चुका है। एस ब्रोड की बात करूं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी गजब का है, 35 मैचों में 131 विकेट और वेन्यू पे 43 विकेट और यहां पर टेस्ट कैरियर में 582 विकेट निकाल चुका है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस 2 बार 7-7 विकेट भी निकाल चुका है, 4 मैचों में 11 विकेट हेड टू हेड में और टेस्ट कैरियर में 16 मैचों में 66 विकेट निकाल चुका है। तो ये प्लेयर परफॉर्मेंस रहने वाले हैं इंग्लैंड के। अब हम दूसरी टीम का जो प्लेयर परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया का ट्राई कर सकते हैं, कौन सा प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एलेक्स कैरी की बात करूं, इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, ये जो 2 है ये इंडिया के अगेंस्ट है 48-66 और हेड टू हेड में 20 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में स्कोर है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट कैरियर में 34 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है। उस्मान ख्वाजा की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इंडिया के खिलाफ यहां पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था रिसेंट में, लेकिन हेड टू हेड में 36 की एवरेज स्कोर से रन मारता है और वेन्यू पे 26 की और टेस्ट कैरियर में 46 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है। डेविड वॉर्नर की बात करूं, इसका भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में 38 की एवरेज स्कोर से, वेन्यू पे 22 की एवरेज स्कोर से और टेस्ट कैरियर में 45 की एवरेज स्कोर से। स्टीवन स्मिथ गजब का परफॉर्मेंस करके आए हैं रिसेंट में, इंडिया के खिलाफ भी आप देख सकते हो 121 रन फिर 34 रन। ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी आप ट्राई कर सकते हो। 59 की एवरेज स्कोर हेड टू हेड में, 75 की एवरेज स्कोर वेन्यू पे, 60 की एवरेज स्कोर टेस्ट कैरियर में। अगले प्लेयर की बात करते हैं, मार्नस की रिसेंट परफॉर्मेंस आप इसका भी देख सकते हो, 45 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट कैरियर में 56 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है। टी हेड की बात करूं, पिछले मैच में यहां पर इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, 163 रन और यहां पर हेड टू हेड में 42 की एवरेज स्कोर, वेन्यू पे यहां पर 43 की एवरेज स्कोर और टेस्ट कैरियर में 47 की एवरेज स्कोर। तो ये हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के। अब यहां पर बात करेंगे जो बाकी के प्लेयर बचते हैं, बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर। सी ग्रीन की बात करूं, लगभग हर यूजर इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में भी ट्राई करने वाला है, तो आप यहां पर, मैं आपको पहले इसका रिकॉर्ड दिखाता हूं उसके बाद आप इसको ट्राई करना। रिसेंट परफॉर्मेंस इसका अच्छा खासा है, 5 मैचों में 228 रन प्लस में 32 विकेट प्लस में 13 विकेट, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेस्ट कैरियर में ओनली 25 विकेट निकाली है और 36 की एवरेज स्कोर से रन मारे हैं। तो आप इसको वॉइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि पेसर्स को हेल्प मिलेगी और शायद आपको लगभग 4-5 ओवर तो करवा के देगा, ठीक है। पैट कमिंग्स के साथ भी जा सकते हो आप वॉइस कैप्टनसी में क्योंकि 14 मैचों में हेड टू हेड में 73 विकेट निकाल चुका है, एक मैच में ग्राउंड पे 7 विकेट
और 50 मैचों में 221 विकेट निकाल चुका है टेस्ट कैरियर में। मिचेल स्टार की बात करूं, इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, 18 मैचों में यहां पर हेड टू हेड में 74 विकेट और एक मैच में 3 विकेट, और टेस्ट कैरियर में 78 मैचों में 310 विकेट निकाल चुका है। नाथन लायन की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा खासा है, एक मैच में 8 विकेट भी निकाल चुका है, 28 मैचों में 101 विकेट हेड टू हेड में, प्लस में 2 मैचों में 12 विकेट वेन्यू पे, और 120 मैचों में 487 विकेट टेस्ट कैरियर में। यहां पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी, ये लगभग हर मैच में विकेट निकालते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। 3 मैचों में 18 विकेट वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, 8 मैचों में 33 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर हो। नाथन लायन खेलेंगे तो आप इसको भी ट्राई करना, मिचेल स्टार खेलेंगे, पैट कमिंग्स, कैमरन ग्रीन और शायद ये प्लेयर भी आपको खेलते हुए नजर आएगा। और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये मेरी आज की यहां पर फैंटेसी के टॉप प्लेयर पिक रहने वाले हैं, इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के ऊपर। ये प्लेयर इंग्लैंड के हैं, ये प्लेयर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के देखने को मिलेंगे। इन प्लेयरों को आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर यहां पर आपको टीम क्रिएट करना नहीं आ रहा तो फाइनल टीम के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। कैप्टनसी मैं स्टीवन स्मिथ के साथ देने वाला हूं, वॉइस कैप्टनसी यहां पर कैमरन ग्रीन को रखने वाला हूं, डोगेट और एलेक्स कैरी रहने वाले हैं, रूट और डेविड वॉर्नर, टी हेड और यहां से नीचे एस ब्रोड और मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स, बेन स्टोक्स। तो ये मेरी फाइनल फैंटेसी की टीम रहेगी, और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फटाफट से आप भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल को अपडेट करूंगा। तो फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि बैक टू बैक अपडेट आपको इस चैनल से भी प्रोवाइड होती रहे। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और बेल आइकन को आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जो भी अपडेट डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आराम से वीडियो देखकर अच्छा खासा विनिंग अमाउंट विन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।